डिफरेंस होता है, क्या होता है, मैं ये पूछना जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल क्वालिटी में डिफरेंस होता है। पहले तो वो वायर वायर का केबल का झंझट नहीं है इसमें जी, ब्लूटूथ है इसमें। तो डिजिटेक का प्रोफेशनल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम जो जिसका मॉडल नंबर जो है DWM है 101, कैमरा में इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्मार्टफोन में कनेक्ट कर सकते हैं, नॉइज कैंसलेशन है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ फीचर्स है जैसे कि 2.4 GHz वायरलेस माइक्रोफोन है, टाइप सी फास्ट चार्जर है, अल्ट्रा क्लियर साउंड है इसमें, 360 डिग्री में आप इसमें साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सॉन्ग प्ले करके उसको आप मिक्सिंग कर सकते हैं, और इसका जो डिस्टेंस है मैक्सिमम 30 मीटर के आसपास है। पीछे के साइड में यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है जिसमें ट्रांसमीटर का भी है, रिसीवर का भी है, दोनों को आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं या पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो बॉक्स पैकेजिंग को जैसे ही आप ओपन करेंगे इसके अंदर आपको काफ़ी सुंदर एक पाउच मिल जाता है। जैसे ही उसको ओपन करेंगे यहाँ पे दो ट्रांसमीटर आपको देखने के लिए मिल जाता है और एक आपको इसमें रिसीवर देखने के लिए मिलता है। ट्रांसमीटर की बात करें तो डिस्प्ले टाइप का मिलता है, लेकिन डिस्प्ले नहीं, यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर है जो लाइट ब्लिंक होता है, पेयर है कि नहीं वो बताएगा, माइक्रोफोन का ऑप्शंस मिल जाता है, इको मोड का ऑप्शंस मिल जाता है। पीछे के साइड में आपको क्लिप मिल जाता है जिसको आप कैमरा में माउंट कर सकते हैं या आप अपने कपड़े में लगा करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पावर बटन है और ये जो है म्यूट का भी काम करता है, एक बार अगर प्रेस करेंगे तो म्यूट होगा, कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे तो पावर ऑफ हो जाएगा। टाइप सी से इसे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एयरफोन लगाने का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आपको पता चलेगा कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे माइक्रोफोन है, यहाँ पे आपको इको वाला बटन दिख रहा है, एक बार प्रेस करेंगे तो नॉइज कैंसलेशन का काम करेगा, दोबारा कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे तो ये इको मोड में चला जाता है। दूसरे ट्रांसमीटर की बात करें तो दोनों लगभग सेम है, किसी भी तरह का कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन रिसीवर में यहाँ पे आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। कुछ चीज़ तो ठीक है जैसे कि टाइप सी है, आगे के साइड में डिस्प्ले भी ठीक है, माइक्रोफोन भी आप इसमें लगा सकते हैं, और इसमें एक चेंजेस यही है कि इसमें माइक्रोफोन आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारा चीज़ इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर के साइड में वॉल्यूम डाउन अप दोनों की है जिससे जो है म्यूजिक का साउंड यहीं से कम या ज़्यादा कर सकते हैं मिक्सिंग के टाइम में। बॉक्स के अंदर दो एयरफोन मिल जाता है जो साउंड मॉनिटरिंग करने का टाइम में आता है। यहाँ पे आपको नॉइज़ कम करने के लिए चीज़ मिल जाता है जो आप काफ़ी आसानी से इसमें लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है जो दो पोर्ट एक ही बार में है, तो इसलिए ये दिया गया है कि आप दोनों ट्रांसमीटर को एक ही बार में चार्ज कर सकते हैं। जिनका जैक नहीं रहता है 3.5 mm का, वो टाइप सी से टाइप सी कनेक्ट कर सकते हैं जो कि केबल इसमें दिया गया है। इसमें आपको कैमरा के लिए अलग केबल मिल जाता है, फ़ोन के लिए अलग केबल मिल जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा वाला में 3 है और फ़ोन वाला में 4 है, और ये बता रहे हैं कि अगर आपका कैमरा काम नहीं करता है जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता है तो आप ओपन कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर गाइड की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ इस वीडियो में देखने के लिए मिलता है। 4500 के हिसाब से यहाँ पे जितने भी सामान है लगभग बहुत सारे सामान आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, और खास करके इसमें जितने भी केबल दिए गए हैं वो महंगे केबल आते हैं। तो डिजिटेक 101 को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने दोनों ट्रांसमीटर को ऑन कर दिया है, रिसीवर को भी ऑन कर दिया है, ये पेयर्ड भी हो गया है। यहाँ पे जो केबल इस्तेमाल करेंगे वो फ़ोन वाला केबल इस्तेमाल करेंगे, फ़ोन का जो माइक्रोफोन वाला केबल है वो चला जाएगा रिसीवर में, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया है और ये काम भी कर रहा है। तो ये पहला वाला ट्रांसमीटर ओके है बिल्कुल भी। अब हम दूसरा वाला ट्रांसमीटर आपको सुनाते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। तो माइक्रोफोन के पास जब आप टच करेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड का जो वेव होता है वो उससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो गया, रिकॉर्डिंग विल बी विद एक्सटर्नल माइक्रोफोन। तो यहाँ पे सैमसंग का फ़ोन में मुझे लग रहा है कि रिकॉर्डिंग चालू है, तो एक्सटर्नल माइक्रोफोन जो है सैमसंग के फ़ोन में सपोर्ट करता है, रियलमी के भी फ़ोन में सपोर्ट करता है, लेकिन आपको सेटिंग्स में जा करके माइक्रोफोन वाले सेटिंग्स में जा करके उसको एनेबल करना पड़ता है। तो अगर आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको सैंपल्स देखने के लिए मिलता है। पे सैमसंग का फ़ोन में मुझे लग रहा है कि रिकॉर्डिंग चालू है, तो एक्सटर्नल माइक्रोफोन जो है सैमसंग के फ़ोन में। तो फ़ोन से तो हमने इसे कनेक्ट कर लिया है, अब कैमरा की बारी आती है। ये मेरा कैमरा जो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रहा है, और यहाँ पर ना माइक्रोफोन लगाने का वो ऑप्शंस मिल जाता है जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसीवर को हमने माइक्रोफोन से कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको काफ़ी इजीली माउंट कर सकते हैं इसको। फोन अगर आप कनेक्ट कर लोगे तो आपको फर्स्ट टाइम क्या होता है कि इसको ऑफ करना पड़ता है, मतलब कैमरा को एक बार आप ऑफ कर लेंगे तो ये काम करना चालू कर लेंगे। जैसे कि अभी हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे पहले आप वेव को देख लो, वेव से ही पता चल जाएगा आपको। अब हम माइक्रोफोन को टच करेंगे तो
अभी जो ये ऑडियो सुन रहे हैं इसी डिजिटेक का DWM101 से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, और यहाँ पे कैमरा में कनेक्टेड है। और ये जो डिजिटेक का है बहुत ही कम प्राइस में आपको देखने के लिए मिलता है, सिर्फ ये 4500 में आपको काफी आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर के इजिली परचेज कर सकते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि 15 से 30 मीटर के डिस्टेंस में काफी इजिली ये काम करेगा। हालांकि आप अगर जैसे कि घूम जाओगे, जैसे कि ट्रांसमीटर ठीक इस तरह से अगर चला जाएगा तो वहाँ पे क्या है कि आवाज़ ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में भी हम आउटडोर में चेक करके बताएंगे, क्योंकि रूम का डिस्टेंस उतना होता नहीं है, रूम का ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मीटर का डिस्टेंस होता है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस होता नहीं है। तो अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये बोया का माइक्रोफोन है, और दोनों में क्या डिफरेंस है आप क्लियरली पता कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो वायर्ड वाले माइक्रोफोन होते हैं उसमें आपको बेहतर साउंड देखने के लिए मिलता है। तो दोनों का हम कंपैरिजन करके बता दिए हैं कि वायर्ड वाला माइक्रोफोन में और वायरलेस वाला में आपको साउंड क्वालिटी कैसा मिलता है। लेकिन देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको इरिटेशन लग सकता है, क्योंकि इसका जो वायर है 20 फीट के आसपास होता है, ये उलझ जाता है आपस में, आपको बहुत इरिटेट लगेगा। खास करके आप इसको आउटडोर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आउटडोर में आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको स्टूडियो में वीडियो बनाना है अगर, तो बोया M1 ठीक है, लेकिन अगर आप आउटडोर में बनाएंगे तो वहाँ पे उसे बेस्ट कहेंगे हम। कोई दूसरा बंदा है अगर इंटरव्यू आप लेते हैं उनका, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, पीछे से पावर बटन्स को प्रेस करना है और ये ऑन हो जाएगा, ये तुरंत कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम दोनों माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों माइक्रोफोन का इस्तेमाल करने से यहाँ पे ऑडियो किस तरह से आ रहा है आप देख सकते हैं। दोनों को इको हम चालू कर देते हैं, हो सकता है शायद आवाज़ बहुत बुरी लगे, लेकिन फीचर्स है तो करना पड़ेगा। तो अभी आप जो सुन रहे हैं, हमने इको मोड को ऑन करके यहाँ पे हम सुन रहे हैं, तो इको मोड ऑन करने के बाद ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत बड़े हॉल वगैरह में बैठे हो, उस तरह से आवाज़ आता है। है फीचर्स, कुछ लोगों को शायद ये पसंद आता होगा, या हो सकता है कि इसका यूजर्स बहुत ज़्यादा होता होगा इसलिए फीचर्स जो है दिया हुआ है। तो अभी ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं इसी डिजिटेक का माइक्रोफोन से हम अभी आपको सुना रहे हैं, और एक हमारे फ्रेंड ने लगा रखा है, तो दोनों यहाँ पे लगा हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी टाइप का माइक्रोफोन जो है वो आपको 20,000 के ऊपर के रेंज का होता है, लेकिन हाँ। ये जो है आपको इतने कम में कैसे, जैसे ये आप बता रहे हैं जैसे कि 4500 का है, तो इस क्वालिटी में डिफरेंस होता है क्या होता है, मैं ये पूछना जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल क्वालिटी में डिफरेंस होता है, लेकिन जो एक यूट्यूबर होता है जिनका बजट मान लो कि 4000 से 4500 के बीच में है, और वो चाहते हैं कि मतलब मेरे को एक ऐसा माइक्रोफोन मिल जाए जिसमें हम किसी के साथ में इंटरव्यू कर पाए, जैसे कि आप बैठो हम साथ में बैठे हुए हैं, तो अगर बोया का माइक अगर यूज़ करेंगे वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा कि सबसे पहले तो वायर उनको लेके आना पड़ेगा यहाँ पर, और हमें सब हाथ में पकड़ना पड़ेगा और पहले बोलना पड़ेगा उनको, फिर आपको बोलना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हम आउटडोर में इसलिए आए हैं जानबूझ करके, ताकि लोगों को ये पता चले कि अगर बाहर का इन्वायरमेंट में अगर नॉइज़ है, जैसे कि इधर भी बात कर रहे हैं बहुत लोग, कुछ लोग इधर भी बात कर रहे हैं, पीछे जो है गाड़ियाँ चल रही है, तो उस इन्वायरमेंट में जो है ये किस तरह से काम करेगा, इस वीडियो को देखने के बाद उनको ज़रूर पता चल जाएगा। इसमें एक नॉइज़ कैंसलेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि नीचे में आपका यहाँ पे एक स्विच मिलता है। तो अभी ये जो आप सैंपल सुन रहे हैं ये हम नॉइज़ कैंसलेशन सिस्टम को ऑन करके हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि अगर बाहर का इन्वायरमेंट में हवा है, अभी गाड़ियाँ चल रही है पीछे में, साइड से लोग बोल रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं, और ये आउटडोर का पूरा इन्वायरमेंट है, ये एक पार्क है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नॉइज़ है थोड़ा सा, क्योंकि ठीक पीछे रोड है, तो उसके हिसाब से जो है इसका ऑडियो कैसा जा रहा है आप सुन सकते हैं। सबसे पहले तो वो वायर का केबल का झंझट नहीं है इसमें जी, ब्लूटूथ है इसमें, और मैं सेम फीचर अगर आप लेना चाहते हैं किसी और कंपनी में तो मेरे हिसाब से 20,000 के ऊपर जाना होगा। हाँ, 30,000 के करीब में वो आता है, दूसरे ब्रांड के बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन ये है कि वो अगर 30,000 चार्ज करते हैं तो उस हिसाब से क्वालिटी भी देते हैं, लेकिन ये जो ऑडियो है ऑडियंस के सामने है, व्यूअर्स के सामने है, वो इसको सुनने के बाद अगर उनके लिए लगता है कि ये क्वालिटी एनफ है, और हमने क्वालिटी चेक किया था बोया से भी इससे भी, तो देखिए जो वायर्ड माइक्रोफोन होता है ना उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैच्ड होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप गौर से वीडियो देखेंगे ना उसमें आपको पता चलेगा यहाँ पे ना हल्का सा कुछ माइक्रो सेकंड का डिफरेंस हो जाता है, वो क्योंकि यहाँ से पहले साउंड जाएगा रिसीवर में, रिसीवर जो है कैमरा में देगा, तब जाकर के रिकॉर्डिंग होता है, तो उसमें कुछ समय लगता है, मतलब लैग नहीं डिले होता है हल्का सा डिले होता है, जो कि ये चीज़ ब्लूटूथ वाले जो एयरफोन्स होते हैं उसमें भी ये चीज़ देखने के लिए मिलता है।
ये जल्दी कोई बताता नहीं है, तो इसमें आपको जो है ना करीब करीब 0.3 सेकेंड या 0.5 सेकेंड तो नहीं, 0.3 से 0.4 सेकेंड के आसपास जो है इसमें डिले देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ये उतना पता नहीं चलता है, मतलब इतना कम होता है कि बिल्कुल पता नहीं चलता है, क्योंकि 0.3 सेकेंड मेरे हिसाब से बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बहुत माइनर है वो। तो आप ये देख सकते हो करीब करीब 3 मीटर का डिस्टेंस है, अभी इसको हम 30 मीटर तक रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका कैपेसिटी है वो 30 मीटर तक का कैपेसिटी है। तो अब समय आ गया है कि इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं और हमारी और आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है, जिससे पता चले कि दोनों माइक्रोफोन किस तरह से काम कर रहा है। इसको हम और पीछे ले जाते हैं, अभी यहाँ पे जो डिस्टेंस रखे है वो 8 मीटर का करीब में डिस्टेंस है, और यहाँ पे आपकी लल्ली देख सकते हो, ये 8 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे। अभी तो हम लोग इसको 8 मीटर के डिस्टेंस पे ही चेक कर रहे हैं, फिर आगे भी इसको 30 मीटर के डिस्टेंस पे चेक करके देखेंगे। हाँ, फिलहाल हमारी और आपकी दूरी जो है वो 3 मीटर के आसपास पे है, तो 3 मीटर की दूरी में दोनों का जब वो बात कर रहे हैं तो वो कैसा रिकॉर्डिंग हो रहा है, और हम जब बात कर रहे हैं तो वो कैसा रिकॉर्डिंग हो रहा है ये भी पता चल रहा होगा। और जो माइक्रोफोन का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है, और जो कैमरा का डिस्टेंस है वो करीब करीब 8 मीटर का डिस्टेंस है, और मेरे यहाँ से 6 मीटर के आसपास डिस्टेंस होगा। फिर भी यहाँ पे आशा करते हैं कि वीडियो आपको क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। इसको अभी हम 30 मीटर के डिस्टेंस पे भी चेक करके देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह से माइक्रोफोन को ये एडजस्ट कर लेता है। ये करीब करीब 25 मीटर प्लस डिस्टेंस है। हाँ, 25 मीटर प्लस। वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे और हम भी 10 मीटर के डिस्टेंस पे, वो जो एक चीज़ इसमें और चेक करना है कि जैसे कि अगर फ्रंट में हम हैं तो फ्रंट में यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट अगर हम घूमते हैं तो वहाँ पे रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में जो है सिग्नल नहीं बन पाता है, तो वहाँ पे कभी कभी ये छोड़ सकता है। तो जब हम घूम और धीरे धीरे करते करते जो है 30 मीटर के डिस्टेंस में जब आप रहेंगे ऐसा ऑडियो क्वालिटी मिलेगा, लेकिन अगर आप कैमरा सामने रहोगे और ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई भी अगर बाधा उत्पन्न नहीं होगा तो आपको काफ़ी आसानी से जो है ऑडियो इसका सुनाई देगा। और आशा करते हैं कि इतना डिस्टेंस पे भी उनको आवाज़ जो है कैमरा में सही जा रहा होगा, कैमरा में मेरे हिसाब से जाना चाहिए। हाँ, इको लोग बहुत लोग हो सकता है कि इको मोड अच्छा लगे, इसलिए इको मोड का इस्तेमाल करना उनको पसंद लगता होगा कहीं, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो यूट्यूबर और ब्लॉगर के लिए है वो है नॉइस कैंसलेशन का। तो इसमें स्टेबलाइजेशन इसमें ज़्यादा देखने के लिए इसलिए मिलेगा क्योंकि इसमें 100 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कि आप 120 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो सेटिंग से जाकर के इनेबल करना पड़ता है। तो बाकी यहाँ पर स्टेबलाइजेशन कैसा है आप देख सकते हैं, दौड़ने के बाद भी कैसा लग रहा है। तो ब्लॉगिंग वगैरह आप करेंगे तो वो किस तरह से निकल के आता है, डायरेक्ट सनलाइट जो है मेरे फेस पे आ रहा है, तो कैसा रहेगा ये। इधर से निकल जाएंगे वापस, इधर से वापस निकल जाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, वीडियो में हमने दिखा दिया कंपैरिजन करके साउंड क्वालिटी वगैरह, और इसका जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो तीन डिवाइस दे रहे हैं तीनों में भर भर के फीचर्स मिल रहे हैं, टाइप सी आपको इस पर पॉड्स मिल जा रहा है, उसके बाद में आपको माइक्रोफोन जैक जो पिन होता है वो मिल जा रहा है, आप एयरफोन लगा करके पता कर पाओगे कि आपका साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। दो एयरफोन इसमें दिया हुआ है, तो मतलब 4500 के हिसाब से अगर देखा जाए, 4500 के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको इतना सामान दे रहा है डिजिटेक जो कोई दूसरा ब्रांड नहीं दे सकता है, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। तो यही था इस वीडियो में, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल टेक सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।